ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। प्रदेश के छठे मुख्यमंत्री की जिंदगी संयोगों में लिपटी थी। राजनीतिक जीवन रहा हो या फिर निजी जिंदगी, हर जगह किस्मत ने जबरदस्त तरफदारी की। जुलाई 1971, लंदन पहुंचे एक शख्स को फोन कर दिल्ली बुलाया जाता है और उसके हाथों में राजस्थान की कमान सौंप दी जाती है। बताने की जरूरत नहीं कि जिसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है उसने शायद ही कभी सीएम बनने के बारे में सोचा हो। बहरहाल जिस हस्ती ने फोन किया था वो थी इंदिरा गांधी, और जिसे मुख्यमंत्री की बरकत बख्शी गयी थी वो थे बरकतुल्लाह खान, राजस्थान के छठवें मुख्यमंत्री। अगर आप बरकतुल्लाह खान की किस्मत पर हैरान हैं, तो आपको उनके जन्म से जुड़ी इस विलक्षण घटना को जरूर सुनना चाहिए। संभव है इसे सुनने के बाद विधि के विधान पर आपका भरोसा और पक्का हो जाए। लीजिए मुलाहिजा फरमाइए। तो हमारे खानदान का एक कोई कीमती हार था, वो खो गया था, बरसों से खोया हुआ था, दादा परदादाओं के वक्त से खो गया था, भूल चुके थे। जब वो पैदा हुए तो चूहा एक बिल से निकला और उसके मुंह में वो हार था। तो उस वक्त के जो ज्ञानी थे उन्होंने कहा ये बच्चा बड़ा बख्तावर होगा, बड़ी किस्मत वाला होगा। बरकतुल्लाह खान का जन्म 25 अक्टूबर 1920 को जोधपुर के एक रसूखदार परिवार में हुआ। पढ़ाई के लिए बरकत लखनऊ गए, यही उनकी फिरोज गांधी से दोस्ती हुई जिसका फायदा उन्हें सियासत में हुआ। एक दोस्ती और हुई जो आगे जाकर प्रेम और शादी में तब्दील हो गई। प्रेम कहानी ऐसी कि संयोग भी स्तब्ध रह जाए। बात तब की है जब जाति धर्म से परे सोचना और उस पर अमल करना जोखिम से भरा माना जाता था। लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के सीनियर बरकत मियां की मुलाकात प्रोग्रेसिव सोच वाली एक लड़की से हुई। कई जगह इस लड़की का नाम उषा मेहता बताया गया है तो कई जगह उषा चतुर्वेदी। बहरहाल दोनों की मुलाकातें होने लगी और ये मुलाकातें मोहब्बत में तब्दील हो गई। लेकिन बात सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक ही महदूद नहीं थी, दोनों की उम्र में भी बड़ा फर्क था। बरकत साहब उषा मेहता से तकरीबन 15 साल बड़े थे, बावजूद इसके उनकी मुलाकातें मोहब्बत में तब्दील हुई और उनकी मोहब्बत अपनी मंजिल पाने में भी कामयाब रही। बहरहाल यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद बरकत ने लखनऊ में ही वकालत शुरू करने का फैसला लिया, लेकिन ये हो पाता उससे पहले ही वो छुट्टियों में अपने घर जोधपुर पहुंचे। यहाँ नियति ने उनके लिए एक अलग ही कहानी लिख रखी थी। 1948 में जय नारायण व्यास एक लोकप्रिय सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे। व्यास एक रोज बरकतुल्लाह खान के घर पहुंचे और उनके पिता की सहमति से बरकत को अपनी सरकार में मंत्री बना लिया। 1949 में राजस्थान बना, लोकप्रिय सरकार खत्म हो गई, नेतागिरी में कदम रख चुके बरकत स्थानीय राजनीति में सक्रिय हुए और नगर परिषद अध्यक्ष बन गए। उधर बरकत के दोस्त फिरोज इंदिरा गांधी से शादी के बाद 1952 में रायबरेली से सांसद बने। जब राजस्थान से राज्यसभा के लिए नाम तय हो रहे थे तब फिरोज ने दोस्ती का हक अदा करते हुए बरकत का नाम आगे बढ़ाया। बरकत सांसद हो गए लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे, बरकत लौटे, लड़े, जीते, विधायक बने और फिर सुखाड़िया सरकार में मंत्री भी। वो एक बहुत मुखलिस और बहुत ही सीधे शरीफ इंसान थे। अगर उनको ज़ाती तौर से देखा जाए यूं खुले तौर पे, तो वो लगते ही नहीं थे कि वो सियासतदान है। एक आम इंसान की तरह सबसे मिलते जुलते, मोहब्बत करते, खुश होते। फिर आया वर्ष 1969। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया। ऐन वक्त पर इंदिरा गांधी ने एक दूसरे प्रत्याशी वीवी गिरी का समर्थन किया। राजस्थान में सीएम सुखाड़िया और ज्यादातर विधायकों ने संगठन के कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी के पक्ष में वोट डाला, मगर बरकतुल्लाह खान ने वीवी गिरी के पक्ष में वोट डाला। मोहनलाल सुखाड़िया सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी थे। राष्ट्रपति चुनाव के बाद राजनीति की बदली फिजा को वे अच्छी तरह भाप गए।
कांग्रेस बटी तो इंदिरा गांधी के साथ आकर खड़े हो गए, लेकिन इंदिरा गांधी मोहनलाल सुखाड़िया को लेकर इतनी आश्वस्त नहीं थी। 1971 के चुनाव में नारा दिया गया गरीबी हटाओ, जो कि काम कर गया। लोकप्रियता के रथ पर सवार इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई। इंदिरा गांधी की वक्त की बात मैं बताऊंगा, जब ये दो टुकड़ हुए थे कांग्रेस के, ये ऊपर की छत देख रहे हैं अभी इधर पीछे की, तो सेंटर से किसी साहब का बुजुर्ग का फोन आया था कि बरकत से कहो कि वो उसमें रहे। तो उन्होंने कहा, मैंने तो ऐलान कर दिया कि मैं इंदिरा जी के साथ हूँ, पहला ऐलान राजस्थान में इंदिरा जी के साथ होने का बरकत साहब ने किया था, दूसरा ऐलान शिवचरण माथुर ने किया था। और इंदिरा जी से कहता मैं क्या बताऊँ उनके क्या ताल्लुक थे। इंदिरा जी बहुत अदब करती थी, वो बहुत अदब करते, भाभी जी कहते थे। मुख्यमंत्री के रूप में बरकतुल्ला खान की कड़े फैसलों से सख्त प्रशासक की छवि बनी। उन्होंने आरक्षण और स्ट्राइक से जुड़े सख्त फैसले लिए। पहले अगर आरक्षित पद पर रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार नहीं होता था तो इसे जनरल कैंडिडेट से भर दिया जाता था। बरकत ने इसे आरक्षण की मूल भावना के खिलाफ मानते हुए इस पर पाबंदी लगा दी। इसके विरोध में राज्य में हड़ताल हुई तो उन्होंने इससे निपटने के लिए काम नहीं तो वेतन नहीं का फार्मूला लागू कर दिया। वो कभी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते थे, जो सच होता वो कर देते, चाहे उनको तकलीफ हो। एक वक्त में उनके वक्त में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक भी हुआ करी थी, उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा सही है तो सही है, वो किस जहाँ बया के एक बात ऐसी बैठी थी कि भी सब लोग मान गए। बरकत साहब ने कहा था जो उसके अंदर स्ट्राइक में उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, काम करोगे तनख्वाह मिलेगी। इस बिना के ऊपर उन्होंने वो स्ट्राइक खत्म हुई थी और उन्होंने उनको नहीं दी। भले ही कड़े फैसलों से बरकतुल्ला खान की छवि सख्त प्रशासक की बन गई हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो बेहद सादा इंसान थे। जहाँ जाते थे लोगों को अपना बना लेते थे। मुझे याद है ना तिजारा के अंदर 1970 कौन सा था पता नहीं, स्थान भूल गया मैं, वहाँ जब इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, हम लोग वहाँ गए थे, तो वहाँ के लोग भी ऐसे मिलते थे बरकत साहब से कि जैसे ही जोधपुर के लोग मिल रहे हैं, जैसा कोई भाई मिल रहा है, जैसा कोई दोस्त मिल रहा है, जैसा कोई अजीज मिल रहा है। मुख्यमंत्री का उनका कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उन्होंने जिस भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की नींव रखी, 1973 में बरकतुल्ला खान इस दुनिया को अलविदा कह चले। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।